मेरे ऊपर मुकदमे होंगे कल सुबह, फिर भी बोलता हूं। क्यों? जिस धर्म में मैंने जन्म लिया उस धर्म की रक्षा नहीं करूंगा तो फिर यह माइक किस लिए उठाया? मेरे बच्चों को अमेरिका नहीं पढ़ाना, ये पैसे इकट्ठा करके रूस में कोचिंग नहीं करवानी। बोलूंगा खुला, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति में अपना जन्म हुआ। हम नहीं बोलेंगे तो अमेरिका वाले तो हार बोले को नहीं, थारा राम जी ने बचा ला। विचार करो, इसलिए बोलता हूं एक हो जाओ। 44 मुकदमे चलते मेरे ऊपर अभी, जहां बोलता हूं मुकदमे टिका देते। टिका तुम तुम्हारा काम करो, मैं तुम बकवास से बात नहीं करता हूं, तुम तुम्हारा काम करो। तुम्हारा काम है, भगवान ने तुम्हें भेजा ही इसलिए। अरे लोग तो तेजा जी बाबू जी कटवी करे साहब, आप किसी बागरी मूलिया लोग तुम्हारे बातें भी लालसन लगा रिया, एडा नोगरा कटू टपकी आसमान में। इसलिए उन असामाजिक तत्वों पर ध्यान ना दे, अपुन को ध्यान देना अपने सनातन धर्म पर, कि जिस जाति जिस धर्म में अपना जन्म लिया। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों को मानता हूं अपना भाई। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन ओम दिगड़ना अपने सनातन धर्म का अपमान सहन भी नहीं करता है। आंखें निकाल लेंगे आंखें उस दरिंदे की बात, जो मेरे हिंदू सनातन धर्म पर आंख उठा के देख लेगा। मैंने तो हैदराबाद में भी खुला चैलेंज किया था, खुला चैलेंज करके बोला उसको, आप समझ गए होंगे वो कौन है। खुला बोल के आया हूँ और आते हुए एयरपोर्ट पर चार मुकदमे और लेके आया हूँ। खुला चाटी ठोक है, जो करना है तो कर लेना, और हम तो भारतवासी एक है, थे एक है और एक भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम।